सो क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर वो फर्स्ट, और ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट जो है हमारा लेक्चर वो फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें हमने देखा हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सी, लाइक सी का कैसे डेवलप किया गया, सी को कैसे डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया है, कहाँ पे डेवलप किया गया, सी को डेवलप करने से पहले और कौन कौन से लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। सो ये जो फर्स्ट हमारा जो यूनिट या फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सी भाषा का परिचय, अगर आपने इसको मिस किया है तो प्रीवियस लेक्चर को आप चेक कीजिएगा, प्रीवियस क्लास को आप चेक कीजिएगा, और उससे आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट को जाकर के पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी का क्या महत्व है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे नंबर बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं सी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको इन फ्यूचर भी ये आगे अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग से संबंधित करोगे या फिर कुछ कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट आप लोगे, सी पढ़ोगे, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस क्लास से रिलेटेड, वो आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी भाषा का क्या महत्व होने वाला है, ठीक है। तो वो 4 से 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, और उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है, उतना आपके लिए इनफ रहेगा। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है सुरुचिपूर्ण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रोबस्ट लैंग्वेज। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो एक रुचिपूर्ण भाषा है, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में पूर्व निर्धारित फंक्शन और ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग कठिन प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है, ठीक है। सो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो एक रुचिपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमको पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन दिए होते हैं, ऑपरेटर दिए होते हैं, और जो हमको हेल्प करते हैं कोई हार्ड प्रोग्राम जब हमको बनाना होता है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, हमको ज़्यादा कोड नहीं करना होता है, जो फंक्शन दिए होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो ऑपरेटर दिए होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, और हमको ये इजी बनाता है, ठीक है। सी भाषा का जो कंपाइलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज की विशेषताएं रखता है, ठीक है। तो जो हमारा सी भाषा का कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है सबसे पहले वो आप समझ लो, कंपाइलर क्या होता है, जो हम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, सी में हमने कोई भी कोड लिखा, HTML में कुछ लिखा, C++ में कोई कोड लिखा, तो कंपाइलर का जो काम होता है उसको कंपाइल करना और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, उस लैंग्वेज कन्वर्ट करना जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारा समझता है, ठीक है। तो कंपाइलर का यही वर्क होता है कंपाइल करने का, इसलिए इस भाषा का जो प्रयोग है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। आज सी भाषा के कई कंपाइलर ऐसे हैं जो खुद सी भाषा से बने हुए हैं। अभी आप सोच लीजिए कि सी लैंग्वेज इतना पॉपुलर है, इतना इम्पोर्टेंट है, कि इसका जो कंपाइलर है, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसको भी सी लैंग्वेज से ही बनाया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज हमारा कितना पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सक्षम तथा तीव्र, ठीक है, एफिशिएंट एंड हाई स्पीड। सो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो अपने आप में काफ़ी सक्षम है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के डेटा टाइप तथा शक्तिशाली ऑपरेटर होते हैं, यह अन्य भाषाओं की कंपैरिजन में फास्ट है। उदाहरण के तौर पर यह भाषा बेसिक भाषा से कई गुना तीव्रता से कार्य करता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया सक्षम तथा तीव्र हाई स्पीड, ये और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके कंपैरिजन में हाई स्पीड है, ठीक है, इसके प्रोग्राम जो है वो बहुत ही स्पीड में रन करते हैं, पोर्टेबल, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। सो जो हमारा ये सी लैंग्वेज है वो किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिटेड नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है, कि ये अगर मैंने कोई भी प्रोग्राम सी का लिखा तो वो मेरे कंप्यूटर में ही चलेगा, मेरा विंडो है तो मेरे विंडो में ही चलेगा, आपका अगर कोई मैक है तो मैक में नहीं चलेगा, लाइनेक्स है उसमें नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हमारा सी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही पोर्टेबल होता है, यह किसी भी मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिटेड नहीं होता है, अर्थात एक कंप्यूटर पर बनाया गया सी का प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जाकर के कुछ थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन करने होते हैं और उसको हम लोग रन कर सकते हैं विदाउट एनी एरर को गेट किए हुए, ठीक है। तो जो हमारा सी का प्रोग्राम हम लिखेंगे उसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जा करके रन कर सकते हैं इजिली, इसका हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना रहता है कि ये हमने अगर अपने लैपटॉप में इसको लिखा हुआ है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बनाया हुआ है तो आप में नहीं चलेगा, वो सब में चलता है, ठीक है। संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है ये लैंग्वेज सी, तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड है, अतः इस भाषा में किसी बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए उस प्रोग्राम को छोटे छोटे
भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के प्रयोग से प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो जब हमको कोई भी बड़े प्रोग्राम को बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन में एक छोटा सा पार्ट रख दिया, दूसरे फंक्शन में एक दूसरा छोटा सा पार्ट रख दिया, ठीक है। इससे हमको अगर कोई एरर आ रहा है तो वो पता चल जाता है किस फंक्शन में हमारा एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। अगर हमको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो इस लैंग्वेज में हम लोग उसको उस प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, और जो हम डिवाइड का कार्य करते हैं और उन्हीं को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन का जो यूज़ है वो मेनली जो प्रोग्राम में एरर है उसको आसानी से गेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है वाइड एक्सपेक्टेबिलिटी, ठीक है, वाइड एक्सपेक्ट एबिलिटी, या फिर कह लें कि व्यापक स्वीकार्यता। तो सी जो लैंग्वेज है सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अतः इसी कारण से यह विश्व के सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। पूरे विश्व में इस भाषा को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो सी जो हमारा है वो व्यापक स्वीकार्यता का वर्क करता है, क्योंकि सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सी इतना पॉपुलर है कि मैक्सिमम जगह पे जो मैक्सिमम हमारा हमारे डेवलपर हैं वो सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सी प्रोग्राम, अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना हो तो हम लोग सी का ही यूज़ करके उस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इसलिए हमको पता चलता है कि सी हमारा इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जगह यूज़ किया जा रहा है, सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर इसका यूज़ कर रहे हैं। इसका जो विश्व में इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, विश्व लेवल में यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये थे पांच इसके पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सी। फर्स्ट है हमारा सुरुचिपूर्ण, ठीक है, सेकंड है इफिशियंट एंड हाई स्पीड, थर्ड है पोर्टेबल, फोर्थ है हमारा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, फिफ्थ है हमारा वाइड एक्सपेक्ट एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वेरिएबल्स का नामकरण या फिर वेरिएबल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो ये जो पॉइंट है दोनों, ये जो दोनों टॉपिक है उसको मैं थर्ड नंबर जो लेक्चर रहेगा उसमें कवर करूंगा, थर्ड नंबर जो हमारा क्लास रहेगा उसमें कवर करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों जो टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कॉन्सेप्ट वेरिएबल का और उसके साथ साथ हमारा वेरिएबल को किस प्रकार बनाएंगे उसका नामकरण, दोनों। तो एक उसको आप लोग एक साथ पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप समझ सकते हो। सो आज हमने कवर किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी का क्या क्या महत्व है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए इनफ है और उतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कवर किया था इंट्रोडक्शन का पार्ट सी का, अगर आपने उसको मिस किया है तो प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा, मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने बैच के लिए, जिसको जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सभी क्लास देखने को मिलेगा, जो आपको मिस हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो आप नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं वो उसमें अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये जैसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के जितने भी लेक्चर रहेंगे, जितने भी लाइव क्लास रहेंगे, वो सब आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट को आप जरूर सक्सेस कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और उनको भी बोल दो कि वो भी जुड़ जाए और अभी से प्रिपरेशन कर लें, जिससे अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे से आप पढ़ सकें, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर से, और कमेंट में आप लोग रिव्यू जरूर से करें।